ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस सेट 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन, 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y equals to 3 upon 4 equals to semicolon 1 upon 2x plus y 2 bracket 3x plus y minus 1 upon 2 bracket 3x minus y equals to minus 1 upon 8। ठीक है, सो आई हैव कॉपीड डाउन द क्वेश्चन ओवर हियर, मैंने क्वेश्चन पूरा यहाँ कॉपी कर लिया है। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा है क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अब इसमें क्या सेम है, व्हाट इज सिमिलर ओवर हियर, 3x plus y 3x minus y 3x plus y 3x minus y। तो हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है 1 upon 3x plus y 1 upon 3x minus y। तो लेट 1 upon 3x plus y equals to m एंड 1 upon 3x minus y equals to n। ठीक है, समझा? तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा इधर m, ये ऑलरेडी 1 upon 3x plus y, इसकी जगह पे m आ गया। तो m प्लस 1 upon 3x minus y क्या है लिया हमने, n। तो m प्लस n इक्वल्स टू 3 upon 4 कॉमा 1 upon, इधर 2 भी है, 2 bracket 3x plus y। तो 1 upon ये पार्ट मेरा m हो रहा है और 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो m upon 2, ध्यान दो थोड़ा। ठीक है, माइनस ये पार्ट मैंने y लिया, ये पार्ट को मैंने n कंसिडर किया, लेकिन इधर 2 भी है, तो माइनस n upon 2 इक्वल्स टू व्हाट इज देयर, -1/8। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों का डाउट रहता है थोड़ा, इधर देखिए, इधर -1/8 माइनस साइन बीच में, तो वो बोलते हैं सर ये माइनस साइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो याद रखो ऊपर जाएगा, माइनस साइन विल रन अप। ठीक है, माइनस साइन ऊपर जाएगा। ऑलराइट, आगे मुझे 4 नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में जितना हो सकता है कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग सिस्टम बाय 4, मैं तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ लिख भी सकता हूँ मैं मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4, तो मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 into m plus 4n दिख रहा है इक्वल्स टू 4 into 3/4। ठीक है, इंटू के लिए इंटू साइन भी डाल सकते हैं, यू कैन पुट डॉट। 4 into m होगा यहाँ 4 कैंसिल, तो 4 into m होगा 4m, 4 into n होगा 4n इक्वल्स टू क्या बचा, 3। ठीक है, समझा? सिमिलरली मुझे यहाँ पर 8 2 2 नहीं चाहिए, 8 सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, 8 इजली डिवाइड हो रहा है, जो कॉमन, जो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने पर 8 से फ्री हो सकता हूँ, तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा, या तुम लोग अदरवाइज में भी देख सकते हो, 4 क्रॉस होके उधर के चला गया, तो 4 into bracket multiply, उसी तरह से 8 क्रॉस होके इधर चले गया, दोनों से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग, वैसे इसमें रीजन की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 8, रीजन की ज़रूरत नहीं है, इतना अंडरस्टेबल है, मतलब समझ में आता है। ठीक है, तो 8 into m upon 2 minus 8 into n upon 2 equals to 8 into minus 1/8। ठीक है, माइनस साइन है, इसके लिए ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। ऑलराइट, ब्रैकेट इसके लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन है। अभी 2 1s are 2 4s are, तो क्या बचा, 4m, 2 1s are 2 4s are, -4n equals to 8 8 कैंसिल, क्या बचा इधर, -1, बीच में कॉमा सेमी कॉलन था। ठीक है, मुझे 2 प्लेन इक्वेशन आ गए, जिसको मैं एक को इक्वेशन 1 लूंगा, दूसरे को इक्वेशन 2 लूंगा, और आई विल डू द रिमेनिंग कैलकुलेशन। ठीक है, सो 4m plus 4n equals to 3, दिस इज माई इक्वेशन 1, और 4m minus 4n equals to minus 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, एक को इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ तो डायरेक्ट कट रहा है, 4m plus 4m minus 4m कैंसल्स आउट, तो क्या बचा, 8 plus 4 plus 4m, इट्स 8m, 8m equals to 3 minus 1, इट्स 2। ठीक है, सो आई गॉट m equals to 2 upon 8, 2 1s are 2 4s are, तो मुझे m मिल चुका है, व्हाट इज माय m, m is 1 upon 4, my m is 1 upon 4, मुझे m मिल गया। ठीक है, अब मुझे m मिला तो मैं क्या करूँगा, n ढूंढूंगा, हाउ, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग m equals to 1/4 इन इक्वेशन 1 2, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन पुट, m की जगह 1 upon 4 में इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन 1 में m की जगह 1 upon 4 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ,
तो इक्वेशन वन था मेरा 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3, ठीक है, m की जगह 1 अपॉन 4 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो 4 इंटू 1 अपॉन फ्लोर प्लस 4n इक्वल्स टू 3, 4 4 कैंसिल, तो 1 प्लस 4n इक्वल्स टू 3, 1 कहाँ जाएगा, ये 4 4 कैंसिल हो गया, 1 जंप होके 3 के पास जाएगा, तो क्या बचेगा 4n इक्वल्स टू 3, ये 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। रिमेनिंग में ये पेज में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आगे, 3 माइनस 1 इज, चलो मैं थोड़ा सा इधर राइट साइड पे एडजस्ट करके लिखता हूँ, ठीक है, सो 4n एज इट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 बाय 4, 2 1s are 2 2s are, तो n इक्वल्स टू हाफ, मुझे n भी मिल गया, मुझे m भी मिल गया, आई गॉट बोथ m और n। अब मैं क्या करूँगा, रीसब्स्टिट्यूशन, यू कैन से पुटिंग, हमने m क्या लिया था, हमने m लिया था 1 अपॉन 3x प्लस y, n लिया था 1 अपॉन 3x माइनस y, अब इसको उल्टा लेना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो पुटिंग या रीपुटिंग, सॉरी रीपुटिंग, व्हाट आई एम रीपुटिंग, रीपुटिंग, सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रीपुटिंग, व्हाट आई एम रीपुटिंग, m और n का वैल्यू मैं रीपुट कर रहा हूँ, सो रीपुटिंग m इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x प्लस y एंड n इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x माइनस y, हमने जो पुट किया था उसको हम रीपुट कर रहे हैं, हमने जो पुट किया था पहले उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको हम उल्टा रीपुट कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट इज माय m, मुझे m क्या मिला, दिस इज अ डिफरेंट सम, डोंट लुक एट इट, ठीक है, ये सेपरेट सम है, हमारा सम यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, मैं पेज ही फोल्ड कर देता हूँ, अदरवाइज बार बार इसको तुम लोग देखोगे और लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं बीच में, ठीक है, सो रीपुटिंग, व्हाट आई एम रीपुटिंग, m का वैल्यू n का वैल्यू मैं रीपुट कर रहा हूँ, ठीक है, सो माय m इज 1 अपॉन, व्हाट इज माय m, मुझे m क्या मिला था 1 अपॉन 4, तो 1 m की जगह मैं रीपुट करूंगा, क्या रीपुट करूंगा, 1 अपॉन 3x प्लस y, तो m मुझे मिला था पीछे m इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, ठीक है, m की जगह मैं रिपुट कर रहा हूँ 1 अपॉन 3x प्लस y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, ठीक है, और n को भी मैं रिपुट करूंगा, n मुझे मिला था n है मेरा, n मुझे मिला है n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो मैं n का वैल्यू रिपुट करूंगा, n का वैल्यू मैंने कंसिडर किया था 1 अपॉन 3x माइनस y, मैंने n की जगह उसका वैल्यू रिपुट किया 1 अपॉन 3x माइनस y इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है, पहले m पूरा कर लेते हैं फिर n पे आते हैं, अब इसको इन्वर्ट एंडो करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, इन्वर्ट एंडो करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, यानी 3x प्लस y इक्वल्स टू 4 ऊपर 1 नीचे, 3x प्लस y न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे चलेगा, 4 ऊपर 1 नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे नहीं चलेगा, यहाँ पे भी बाय इन्वर्ट एंडो, तो इन्वर्ट एंडो में यहाँ पर क्या होगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 2, इन्वर्ट हो गया, ठीक है, आगे जो आ रहा है उसको इक्वेशन 1, 2 लेके आगे सॉल्व करेंगे, व्हाट इज माय इक्वेशन 1, इट्स 3x प्लस y इक्वल्स टू 4, सॉरी इक्वेशन 3 लेंगे और 3x माइनस y इक्वल्स टू 2, दिस को इक्वेशन नंबर 4 लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को लेकर अभी आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लस y माइनस y कैंसल्स और कैंसल्ड अप, दिख रहा है ना, 3x प्लस 3x इज 6x, alright, और 6x equals to 6, so x is equals to 6 by 6, 1, x is equals to 1, समझा, मुझे x 1 मिला, my x is 1, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, substituting, x का value substitute करेंगे, pages कम है, यही कर लेता हूँ, substituting, x is equals to 1, in equation, 3, 4, जिसमें चाहिए put करो, better होगा, तो substituting 3, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, 4 जो चाहिए यूज करो, x का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, तो 3x क्या है वो 3x प्लस y इक्वल्स टू 4, तो इंस्टेड ऑफ x 3x प्लस y इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ x व्हाट आई एम पुटिंग ओवर हियर 1, ठीक है, थोड़ा गंदा किया, थोड़ा सॉरी उसके लिए, ध्यान दो 3 1s are 3 प्लस y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 3 जंप होके उधर गया, 4 माइनस 3, y इक्वल्स टू 1, मुझे y भी मिला 1, x भी मिला 1, तो फाइनल मेरा सॉल्यूशन सेट है 1, 1, समझा, ओके,
वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो और प्रॉब्लम सेट के सम्स भी ट्राई करो। फिर बोल रहा हूँ, मेक योर ओन फेयर बुक, एक एल्जेब्रा की फेयर बुक बनाओ जिसमें सारे सम्स एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करो। ये बुक तुम लोग एज अ डाइजेस्ट ड्यूरिंग एग्जाम यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास हर एक सम सॉल्व करने जितना टाइम नहीं रहता है, ड्यूरिंग एग्जाम हमें रिवाइज करना रहता है, और तब ये फेयर बुक एज अ रेफरेंस बुक तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, सम में कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या व्हाट्सएप पे, जो भी जिनके पास नंबर है व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।